3.5 साल तक मैं कश्मीर सेक्टर बोर्ड की पलों आके लाड़काना में घूमता फिरता रहा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। आज पहला रोज़ है रमज़ान का और हम अभी तैयार हैं। हमारी क्लास थी 10 से लेके 3 बजे तक, हमने क्लासेस देनी है तो अभी हम निफ्टी जा रहे हैं इंस्टीट्यूट। उधर से जाके हम 3 बजे फ्री होंगे, उसके बाद निकल के देखते हैं हमने क्या करना है। ओके जी, तो अभी तक किसी को पता नहीं है तो मैं बता दूं कि ये निफ्टी स्क्वायर में फ़ोटो स्टूडियो है ये सारा, और यहाँ मैं बैठा होता हूँ, यहाँ मैं पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को, यहाँ पे मैं काम कराता हूँ, यहाँ पे मैं सोने की कोशिश करता हूँ मगर नींद नहीं आती इधर। मुझे थोड़ी सी एनर्जी प्रिजर्व करके, क्योंकि थोड़ा सा प्रैक्टिस कर करके वो जो एनर्जी है ना, वो जो यूट्यूबर वाली एनर्जी है वो मेरे में नहीं अभी तक। मेरे में भी है बहुत ही डिप्रेसिव एनर्जी मेरे इर्द गिर्द फिरती रहती है, तो मैं ज़रा उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए मैंने कहा सर डेली ब्लॉगिंग करते हैं, ज़रा इम्प्रूव करते हैं। सेल्फ इम्प्रूवमेंट मेन चीज़ है, मैं फोकस करूँगा आगे सेल्फ इम्प्रूवमेंट, मेंटल हेल्थ को, अपने एक्सपीरियंसेस और बाकी जो चीज़ें हैं साथ, उससे काफ़ी आपको नॉलेज मिल सकता है। ओके जी, तो सीन ये है कि आज का जो हमारा टॉपिक था कि कहाँ अच्छी जगह हम ढूंढ सकते हैं, लोकेशन कैसे हम ढूंढ सकते हैं, तो सबसे पहली चीज़ आपने जाना है अपने मैप पे। मैप पे जाते साथ देखने के आपके पास स्पॉट्स कौन से हैं, आपके लोकेशंस मैप पे कौन सी ऐसी लोकेशंस आ रही हैं जो कि अट्रैक्टिव है, टूरिस्ट ट्रेनिंग लोकेशन टाइप हैं। ऐसी हम जगह पर जा सकते हैं कि F9 पार्क हो गया हमारा, उसके बाद हमारे पास फैसल मस्जिद हो गया, मोनूमेंट हो गया, आपके पास डिफरेंट एरियाज़ हैं। अगर आपने लैंड्स की ग्रीनरी में जाना है तो आपके पास ये जगह है, अगर आपने जाना है थोड़ा सिटी में थोड़ी बिल्डिंग्स आपने दिखानी है तो, और रश भी हो, F7 है, ब्लू एरिया है, F6 है, F10 है, डिफरेंट एरियाज़ हैं। तो अभी हम F9 में आए हैं, यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पे तो नॉर्मल ग्रीनरी में फ़ोटोज़ तो नॉर्मल आ जाती हैं, मगर लोकेशन भी किसी नॉर्मल लोकेशन पर अच्छी लोकेशन भी हो, फ़ोटोज़ किस तरह निकालेंगे वो मैं तरीका आपको बताता हूँ। ओके जी, तो सबसे पहले आप लोकेशन पे जब भी आएँ तो पहली चीज़ आपने करनी है कि आपने ऑब्ज़र्व करना है। ऑब्ज़र्व क्या करना है कि आपकी सराउंडिंग में क्या क्या चीज़ें, आपके पास लैंडस्केप कितनी जगह हैं, आपके पास पोर्ट्रेट में, आपके पास दोनों एंगल्स में कितनी जगह आ रही हैं, लीडिंग लाइंस किधर हैं, सिमेट्री किधर है। अब सबसे फर्स्ट चीज़ होगी ऑब्ज़र्वेशन, आपने ऑब्ज़र्व करना है कि आपके इर्द गिर्द क्या चीज़ है। अब अगर मैं आपको दो एग्ज़ैम्पल्स देता हूँ फिर उसके बाद हम जाते हैं आगे। फर्स्ट हमारे पास वो गाड़ी खड़ी हुई है, आप यहाँ से देखो गाड़ी खड़ी हुई है। अब इस गाड़ी के मैं 2-3 शॉट्स लगा के सामने दिखा रहा हूँ आपको, इसके ये है कि आपकी इस चीज़ के साथ एक गाड़ी खड़ी हुई है, आपके पास पर्सपेक्टिव क्या है, आपने डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के साथ उस गाड़ी को चेंज करना है। तो अभी आप लोगों ने जो 3 फ़ोटोज़ देखी थी, एक थी रूल ऑफ थर्ड्स के साथ, बाकी एक पोर्ट्रेट थी और एक बाकी नॉर्मल एक शॉट था। अब आपके पास डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आप फ़ोटोज़ खींच सकते हैं जी। तो हमारे साथ वलीद भी आए हुए हैं। वलीद, आपने क्या खींचा अभी तक, लैंडस्केप्स? लैंडस्केप खींची हैं, आँखें बंद हो रही हैं, प्यास लग रही है, रोदा लग रहा है। सेकेंड हमारी क्या आ जाएगी कि हमने शूटिंग थ्रू थिंग्स, हमने चीज़ों के थ्रू शूट करना है, उससे क्या होगा आपकी फ़ोटो डायनामिक ज़्यादा हो जाएगी, उसके बाद आपके पास ज़्यादा अच्छे शॉट्स निकल आते हैं। हम ट्राई करेंगे कुछ फ़ोटोज़ खींचेंगे। देखिए, जिस तरह आपने फ़ोटो में देखा है कि एक चीज़ के थ्रू मैंने एक ब्रिज की तस्वीर खींची है, और नॉर्मल अगर मैं खींचूँ तस्वीर तो वो सादा सा ब्रिज लगेगा, मगर अगर किसी चीज़ के थ्रू मैं खींच रहा हूँ तो फ़ोटो में थोड़ी रेंज ज़्यादा आ जाती, डायनामिक ज़्यादा हो जाती फ़ोटो। अभी जैसे कि देख सकते हैं आप, वो एक ब्रिज सामने नज़र आ रहा है आपको। अब उसकी एक फ़ोटो मैं क्लिक करूँगा, एक नॉर्मल फ़ोटो क्लिक करूँगा, फिर उसके बाद किसी चीज़ के थ्रू मैं फ़ोटो क्लिक करूँगा। ओके जी, तो हमारे पास 2 रूल्स हो गए हैं जो वैसे ही नॉर्मल फॉलो कर रहे हैं हम। अब 3rd रूल हमारे पास क्या है कि आपने कॉम्पोजिशनिंग पे फोकस करना है, आपकी कॉम्पोजिशनिंग किस चीज़ पे है। अगर आपके पास मैं अब एक सामने जगह लोकेशन है, अब उस लैंडमार्क के पास मैं किस तरह की तस्वीरें खींच सकता हूँ ताकि वो अच्छी फ़ोटो निकले। ओके जी, तो सबसे आपके पास लास्ट हमारे पास रूल आ जाता है कि डोंट थिंक जस्ट शूट, यानी कि आपको कुछ भी अगर नज़र आ रहा है आप उसकी तस्वीर खींचे। अगर आपको कॉम्पोजिशनिंग का लिफ वे भी नहीं पता, आपको नई आइडिया हो रहा है कि अच्छा मैंने इसको यहाँ रखना है, इसको यहाँ रखना है, तो इस तरह आपने नहीं करना, आपने बस उस चीज़ को
डिफरेंट पर्सपेक्टिव से खींचें, डिफरेंट एंगल से खींचें। तो अभी यहाँ पे कुछ शॉट्स मैंने वैसे ही दिखाए हैं कि आपको नज़र आ रहे होंगे, कोई भी चीज़ नज़र आ रही है बस वैसे खींचे उसको जिस एंगल से खींचना है आपने। ओके जी, तो यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करता हूँ। अगर तो आपको इन चार टिप्स के साथ, चार रूल्स के साथ, अब ज़रूरी नहीं कि आप यही चार रूल्स फॉलो करें, ये चार रूल्स मैं आपको इसलिए बताएं ताकि आपकी फ़ोटोज़ में थोड़ी इंप्रूवमेंट आए। अगर तो इन चार रूल्स से आपकी फ़ोटोज़ में इंप्रूवमेंट आती है तो मुझे ज़रूर बताएं। और यहाँ पर मैं वीडियो को एंड करता हूँ, और आप लाइक सब्सक्राइब जाके जो करना है नीचे कॉमेंट्स में सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, क्योंकि मैं नेक्स्ट फुल मंथ तक डेली अपलोडिंग करूँगा, ट्यूटोरियल्स होंगे, ब्लॉग्स होंगे, जो भी है। और बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दें। तो मैं मिलता हूँ कल एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। रोज़ा भी रखा हुआ है, नींद में आदत ख़राब हुई हुई है अभी, तो फ़िलहाल के लिए।